हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल केमिकल फ्री गार्डनिंग। ये स्वीट पी है और कितनी सुंदर लग रही है। ये बटरफ्लाई की तरह है ये, और ये सीड से ग्रो की है। ये वाइन टाइप की होती है ये, और ये हैंगिंग बास्केट में भी बहुत सुंदर लगती है। वैसे तो ये वाइन ही होती है, और हैंगिंग बास्केट में ये नीचे को लटकती तो बहुत सुंदर लगती है। इसे किसी थ्रेड के सहारे या फिर किसी लकड़ी के सहारे इसे सपोर्ट भी दे सकते हैं, पर ये ज़्यादा हाइट नहीं जाती है इसकी, थोड़ी ही रहती है। और इस प्लांटर में मैंने 6 प्लांट लगाए हैं, और ये अब इसमें सीड ग्रो हुए हैं। जब मौसम थोड़ा सा अच्छा हुआ है, गर्म गर्म हुआ है, टेम्परेचर थोड़ा सा बढ़ा है, तभी इसमें फूल आए, वरना फूल ही नहीं आते। और बहुत सुंदर लगते हैं इसके फूल। और इसकी मिट्टी के बारे में बात करें तो इसकी मिट्टी को मॉइस्ट रखना ज़रूरी होता है। इसकी मिट्टी सूखनी नहीं चाहिए, नमी बना के रखनी चाहिए, वरना ये एकदम से सूख जाएंगे। क्योंकि वाइन है तो मॉइस्चर होना ज़रूरी है, मॉइस्चर ज़्यादा चाहिए इसे, नमी ज़्यादा चाहिए। और सर्दियों का प्लांट है तो थोड़ा अब सेमी शेड में रख दीजिए। यहाँ पर मेरे अब करीब 5 बजे से धूप नहीं आई है, 5 बजे का टाइम हो गया है। और इसमें ढेरों बरसात आ रही है, जब मौसम टेम्परेचर थोड़ा सा बढ़ा है। पूरी सर्दियाँ इसमें बस ऐसे पत्ते आते रहे थे, क्योंकि धूप नहीं मिल रही थी तो फूल भी नहीं खिल रहे थे। तो इसे धूप भी चाहिए होती है, सर्दियों की तो फुल सन चाहिए होती है, मगर अब टेम्परेचर बढ़ रहा है तो थोड़ा सा शेमी शेड एरिया रख दीजिए, जहाँ पे इसे दोपहर के 12-1 बजे तक की धूप मिले तो ये अच्छे से ग्रो होता है। देखिए इस तरह का लुक आ रहा है। और यहाँ पर मैंने रखा है, और ये जो मॉप होते हैं ना, क्लीनिंग मॉप, उसमें मैंने लगाया है इसे। लास्ट ईयर तो मैंने काफ़ी बड़े गमले में लगाया था, पर इसकी हाइट ज़्यादा नहीं हुई थी। बट हाँ, अब इसमें काफ़ी ब्रांचेज बहुत निकल रही है इसमें। और इसकी मिट्टी मैंने तैयार की थी, इसमें मैंने सैंड मिक्स किया था। मेरे गार्डन की सॉइल तो सैंडी होती ही है, क्योंकि मैं रेत मिक्स करती हूँ, तो ये सैंडी सॉइल थी। और इसमें कंपोस्ट मैंने ढेर सारी मिलाई, क्योंकि सर्दियों के जो प्लांट होते हैं उन्हें खूब ढेर सारी खाद चाहिए होती है, कि 3-4 महीने में ही उन्हें फूल भी बनाने होते हैं, फिर सीड भी बनाने होते हैं, फिर अपनी ग्रोथ भी बढ़ानी होती है। तो इसलिए 50-50 का रेशियो रखे हैं आप खाद में, खाद और 50% रेत और मिट्टी, तो बहुत अच्छी फ्लावरिंग होती है। और मिट्टी भी मैंने काफ़ी ऊपर तक भरी है, देखिए, और जगह जगह इसमें पिटूनिया भी निकल आए हैं। ये देखिए, मैं तो ये जो हमारे गर्मियों वाले पिटूनिया है ना, वो निकल रहे हैं। जैसे ही मौसम गर्म होता है ये अपने आप ही निकलने लगते हैं। इसकी हाइट अभी मुश्किल से 1.5 फीट भी नहीं हुई होगी, और ब्रांचें बहुत ढेर सारी निकल रही हैं। क्योंकि मेरे पूरा दिन ऊपर थर्ड फ्लोर पे पड़ा हुआ था, पूरे दिन की धूप मिलती थी सुबह से लेकर शाम तक की। अब मैं नीचे लेके आई हूँ 2nd फ्लोर पर, जहाँ पे इसे थोड़ी कम धूप मिले और नमी भी बनी रहे। पानी बहुत जल्दी सूख रहा था, सुबह भी लगा रही थी तब भी सूख गया था, तो मैं इसे नीचे लेके आई हूँ। फिर मैंने पानी लगाया। मिट्टी इसकी पोरस ही रहनी चाहिए, चाहे तो आप इसमें कोकोपीट मिक्स कर सकते हैं, मगर सर्दियों में परेशान करती है कोकोपीट। मैं तो धान की मिक्स करती हूँ तो वो सही रहती है, धान की भूसी कोकोपीट की जगह, तो वही मैं यूज़ करती हूँ उसका। तो आप भी इसी तरह से लगाइए, अपने गार्डन में से सजाइएगा। और बहुत प्यारा प्लांट है, बहुत सुंदर है, और इसकी ये फलियाँ बन रही हैं, क्योंकि मटर के जैसे फूल होते हैं तो वैसे ही इसमें ये इसके सीड पॉट भी बनते हैं मटर जैसे ही। तो ये सीड पॉट पक जाए तो आप निकाल के रख लीजिए नेक्स्ट ईयर के लिए। तो फ्रेंड्स, इन्फॉर्मेशन अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक का हिट जरूर देके जाइएगा, है ना। और लिक्विड फर्टिलाइज़र आप देते रहिए 15 दिन के अंतराल पर, तो ये बहुत अच्छे चलते हैं। इनका लुक कुछ कुछ सेम जैसा भी आता है, इनके फूलों सेम जैसे के फूल होते हैं ना, उस टाइप का भी आता है, पर्पल वाले। एक तो व्हाइट वाले होती है, एक पर्पल वाले होते हैं फूल, तो उनकी तरह भी लुक आता है। तो ये मटर के जैसे भी लुक देते हैं। और लिक्विड फर्टिलाइज़र आप देते रहिएगा, अच्छे रहती है लिक्विड फर्टिलाइज़र। सरसों की खली है, बनाना पील फर्टिलाइज़र है, या फिर इसमें गोबर की जो कंपोस्ट ही होती है उसको भी डाल दीजिए, गोबर का लिक्विड बना के डाल दीजिए। ऐसे गोबर भिगो के रख दीजिए पानी में, उसका लिक्विड डाल दीजिए। और केमिकल में आप DAP डाल सकते हैं, भिगो दीजिए रात भर के लिए, और सुबह में इसे डाल दीजिए। एक कप आप पानी डालिएगा, और सॉरी 1 कप आप DAP का जो घोल बनाया है वो डालिएगा, और उसमें 5 कप पानी मिलाइए, उसमें पूरे में डाल दीजिए, पानी की जगह वही यूज़ कर लीजिए। तो बहुत सुंदर प्लांट है, अपनी गार्डन में ज़रूर जगह दीजिए। तो फ्रेंड्स, नई जानकारी के साथ, नई वीडियो के साथ फिर मिलते हैं। तब तक गार्डनिंग करते रहिए, खुश रहिए। बाय बाय फ्रेंड्स।